हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है। आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं बहुलक से संबंधित। बिहार बोर्ड 10वीं एग्जाम में बोर्ड के द्वारा प्रत्येक साल इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रेक्षण दिया गया 3023532 3, इसका बहुलक निकालना है। दूसरा क्वेश्चन भी है कि 5202 5202 3234 3716 1, इसका हमें बहुलक निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे और इसका बहुलक निकालने के लिए बोले तो हम लोग बहुलक कैसे निकालेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड 10वीं एग्जाम में प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड 10वीं के एग्जाम में 2023 में परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन को अगर सही सही से बनाना और मैथ में 90+ मार्क लाना है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 100% गारंटेड क्वेश्चन है कि पूछा ही जाएगा। माध्यमिक और बहुलक जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन वो पूछा ही जाता है। और ये जो टॉपिक है और बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, बस इतना आसान है कि ऑप्शन देख करके हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। हम लोग बनाने वाले यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, बस ट्रिक के माध्यम से ऑप्शन देखेंगे और आंसर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को हल करना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3023532 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक अगर हम लोगों को यहाँ पर निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है कि इतना आसान है कि गोदी का बच्चा भी इसका बहुलक निकाल सकता है। हमें इसमें देखना कि कौन सी संख्या जो सबसे अधिक बार शामिल है इस आंकड़े में, किस संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा, अर्थात इस परीक्षण में वो कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार शामिल है, वही हमारा बहुलक होगा। तो 3 को देखिए, 3 जो है इस परीक्षण में 4 बार शामिल है, 1 2 3 4, और कोई भी संख्या नहीं है जो 4 बार शामिल है। तो सबसे ज्यादा 3 जो है इस परीक्षण में शामिल है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पहला का, वो बहुलक जो होगा वो 3 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि दूसरा का बहुलक कितना होगा। अब इसमें देखिए कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या शामिल है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 2 1 2 3 3 बार 2 यहाँ पर जो है 1 2 3 बार है। इसके बाद अगर हम लोग और संख्या को देखेंगे तो और संख्या कितनी बार है कि 2 जो है वो तो 3 बार है, 2 3 बार है, और कौन सी संख्या जो 3 बार है या उससे ज्यादा बार शामिल है। हम लोग देखेंगे 3 को कि 1 2 3 3 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, और कि कोई संख्या को हम लोग देखेंगे जो 3 बार या इससे ज्यादा बार है, तो हम लोगों को देखने के लिए कोई भी संख्या यहाँ पर मिल नहीं रहा है। 3 ही वो संख्या है जो 3 बार है, 1 2 और 3 बार है, और कोई संख्या नहीं है जो 3 बार या 3 बार से अधिक शामिल है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में तो एक संख्या था कि 3 सबसे अधिक बार था, तो ये बहुलक हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका बहुलक हम लोग 2 लिखे या 3 लिखे, क्योंकि दोनों जो है बराबर बार इस प्रेक्षण में शामिल है। तो इसका भी बहुत ही आसान तरीका है, हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3, अर्थात इसका जो बहुलक है वो दोनों हुआ, 2 भी और 3 भी। तो 2 और 3 को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। और कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 से आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो 5 को हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2.5 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2.5 होगा, अर्थात यहाँ पर जो फैक्ट कहता है कि कोई भी बहुलक निकालना किसी भी परीक्षण का, तो सबसे अधिक बार जो भी संख्या शामिल है परीक्षण में वही हमारा बहुलक होता है। अगर 1 संख्या हो तो, अगर 2 संख्या हो जाए बराबर बार शामिल, जैसे यहाँ पर हो गया कि 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, तो ये दोनों हो गया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए। कभी कभी अगर मान लीजिए कि 3 संख्या है वो बराबर बार परीक्षण में शामिल है, तो वो जो संख्या है उस बहुलक का वो जो संख्या होगा वो 3 संख्या उस परीक्षण का बहुलक होगा। तो जो भी 3 संख्या बहुलक में शामिल हो रहा, आप 3 को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, यही हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी परीक्षण का बहुलक है वो हम लोग जो है बस ऑप्शन देख करके और बना सकते हैं। इतना आसान ही हमारा टॉपिक था। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।